तो ये रिमूवेबल है, आप इसको हटा सकते हो। ये जो कोट लिख रखा है इन्होंने, जिंदगी गुलजार है इसे हर पल जिए, तो इसका क्या रीजन क्या है इसके इसका पीछे? मतलब ये था कि 8,500 रुपए में बेड प्लस किचन, किचन जिसमें आपका एक ड्रॉअर है जिसमें हमारा डबल बर्नर का गैस लगा हुआ है, ठीक है, और एक हमारा लगा हुआ है ये मसालों वाला पिटारा। ये कुछ ऐसा बेड सेटअप है जिसमें 9 mm की प्लाई आ जाती है, ओके, और पीछे लॉक लगे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए रिव्यू वीडियो में। तो इस कैंपर वैन रिव्यू सीरीज में आज आपके लिए लेके आया हूँ क्रेटा, जो कि 2016 मॉडल है, टॉप सेकंड मॉडल है ये। और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के ओनर से मिलवाता हूँ। तो भैया कैसे हो आप? राजेश मेरा नाम है और मेरा चैनल है बिफोर भोजक। तो आपने भैया को भाई काफी कैंपिंग वीडियोज में देखा होगा, बिफोर भोजक भैया का यूट्यूब चैनल है। तो भैया बात करते हैं इस गाड़ी की, तो आपने गाड़ी ली थी 2016 में। हाँ, 2016 में आपको तब ये क्या कॉस्ट करी थी गाड़ी? ये पड़ी थी 1385 की। 1385 की। हाँ। तो आपने उस टाइम ये नहीं सोचा कि स्कॉर्पियो जो आई थी उस समय, नई जनरेशन उस समय की आई थी? स्कॉर्पियो का सोचा था, लेकिन बात ये आ गई कि वो मैंने सुना था जब आपकी तेज चलती तो थोड़ा बबल वगैरह करती है। अच्छा, बॉडी रोल की, बॉडी रोल की वजह से हमने वो नहीं ली। और तो महिंद्रा की एक समझो वो एक फीचर ही दे रहे हैं उसके साथ। और मेरे को सुनने में आया था जो पीछे वाली सीट्स रहती है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, उस वजह से नहीं ली। अदरवाइज मेरा तो प्लान वही था। पर मतलब आपने 13 लाख रुपए एक चीज में इन्वेस्ट करे तब भी आपको 5-सीटर गाड़ी मिली, तो थोड़ा उस चीज का आपको लगता नहीं है? थोड़ा सा लगता है कि 6-सीटर होना चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली में एक्चुअली मेंबर ही कम है। हम उस टाइम 3 जने थे, मैं, मेरी वाइफ, बच्चा, अच्छा, और पापा मेरे, उनके अलग गाड़ी है। ओके। तो मम्मी मेरी है नहीं। ओके। तो पापा अगर साथ होते हैं तब भी हमारे 5-सीटर आराम से हो, तो आराम से आ जाएंगे। तो जब आपने गाड़ी ली थी तो आपका पर्पस मेन था कि भाई फैमिली कार होनी चाहिए। फैमिली कार होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, बस। हाँ। तो फिर आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो कैंपिंग का शौक आपको कैसे लगा एकदम से? कैंपिंग हम लोग काफी टाइम से करते आए, 2017 से। 2017 से आप, लेकिन ये हम वीडियोस में नहीं लेते थे। ओके। और उस टाइम सेटअप खुला हुआ रहता था, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जब थोड़े बहुत रिव्यू देख लिए तो हमने सोचा कॉम्पैक्ट इसको बना ही दो। मतलब तब तो आपका सेटअप ऐसा हो कि भाई डालो और चलो, जैसे अपनी टोकरियां होती थी उनके अंदर डालो लेके बैठ जाओ। तो वो सेटअप हमने उससे भी फैमिली के साथ ट्राई किया, लेकिन होता है क्या उसको समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल। और दूसरा एकदम से जब बारिश आती है इसको क्या सिंपल सा बंद करना, इसे तो स्लाइड करके अंदर हो जाएगा, उसे समेटने में काफी काफी कम टाइम है। तो कैंपिंग का मेन ही मकसद होता है आपका टाइम बचाना। बिल्कुल, ये बात तो है। तो अगर उसमें ये सब में ही टाइम लग गया तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। नहीं बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हम हमारा एक सेटअप बना लेते हैं। तो ये रिमूवेबल है, आप इसको हटा सकते हो। तो वापस इसमें आप, वैसे आपने सीट्स तो नहीं हटा रखी होंगी? सीट्स नहीं हटा रही, मैंने इसको डाउन कर रखा है, सीट को डाउन कर रखा है। तो भाई इसमें ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि आप इसमें जो इसका बूट स्पेस है, हाँ। बूट स्पेस में आपका ये पोर्टेबल किचन है और जो सीट्स है वापस ऊपर हो जाएंगी, तो आपकी किचन भी वापस, हाँ। निकल गई और आप एक फैमिली कार की तरह इसे यूज भी कर सकते हो। 9 mm की प्लाई है, वो 9 mm की प्लाई में फोल्ड करके इसी के ऊपर रख देता हूँ। ओके। तो हमारा बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और थोड़ा बहुत सामान होता है वो हम इसके ऊपर रख लेते हैं क्योंकि वो काफी स्पेस बच जाता है, और अगर कुछ ज्यादा सामान बचा तो हम आगे पांव के में रख लेते हैं। ठीक है। तो भाई मेरी नजर यहाँ पे गई है, अब ये जो कोट लिख रखा है इन्होंने, जिंदगी गुलजार है इसे हर पल जिए, तो इसका क्या रीजन क्या है इसके इसका पीछे? मतलब ये था कि जैसे काफी अभी कोरोना का गंदा पीरियड गया था, तो हमने ये एनालाइज किया कि बहुत लिमिटेड टॉक टाइम के साथ हम यहाँ आए हैं, तो हमने सोचा जब हम ये कैंपिंग का अगर चैनल बना रहे हैं तो उसमें एक थीम होना बहुत जरूरी है कि आपका क्या बेसिकली थीम है, क्यों कर रहे हो आप। तो हमारा ये था कि जिंदगी बिल्कुल गुलजार है और जिंदगी के जो छोटे छोटे मोमेंट्स है इसको आप हर पल जियो, हर पल जियो, हर पल जियो, सबके साथ जियो। तो भाई देखो इस छोटे से कोट में भैया ने कितनी बड़ी बात कह दी है ये। और बाकी आपकी सेटअप को कितना टाइम हो गया? इस सेटअप को हो गया मेरे 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने? हमने अप्रैल में बना लिया था इसको, अप्रैल से अभी तक जो भी महीने हुए हैं, लेकिन है। हमने फर्स्ट ट्रिप इसका लद्दाख के अंदर किया था। पहला ट्रिप ही आपने लद्दाख तक पा दी थी? सीधा हम लद्दाख चले गए 15 दिन के लिए। फैमिली के साथ गए थे? विद फैमिली गए थे हम लोग। फैमिली गए थे। तो आपने इतनी लंबी लंबी ट्रिप गई है, भैया बता रहे थे कि आप इससे कहाँ कहाँ होके आए हो? उससे इससे हम लद्दाख होकर आ गए। ओके। इससे हम मसूरी का ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर करके आ गए। ठीक है। हरिद्वार वाला जो आपका ये शिवपुरी वाला एरिया है वो कवर करके आ गए। अब धीरे धीरे राफ्टिंग होती है अभी, हाँ राफ्टिंग वाला, तो वहाँ पर भी मैंने वो सोलो मैंने कैंपिंग की। वो सोलो आपने? अभी हम प्लान बना रहे हैं 25-31 स्पीति जाने का। स्पीति दिसंबर में जब छुट्टियां आती बच्चों की। ओके ओके ओके। तो एक बात ये बता, आपने इतना सारी इस पे ट्रिप करी है तो ये आपने सब कुछ ऐसी लेके गए होगे है ना? हाँ सारा। तो अभी तक क्या कुछ आपने प्रॉब्लम फेस करी है इस किचन की वजह से? किचन की वजह से हमने प्रॉब्लम कुछ फेस नहीं करी है, बस ये हुआ है कि थोड़ा सा हैवी बन गया। अच्छा, वेट ज्यादा, वेट ज्यादा हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है, टर्बो गाड़ी तो वेट ले लेती है। हाँ। लेकिन बात यह कि हमें अब जब मैंने बाकी लोगों के रिव्यूज देखे, मतलब जो देखे कॉम्पैक्ट से उन्होंने बना रखे, उससे भी काम चल सकता है। तो ये वाले जो ये आपने वुड ले रखा है, क्या लैमिनेटेड वुड है? ये लैमिनेटेड नहीं है, ये या एक साइड का लैमिनेटेड है। मैं वही कह रहा हूँ ये वाला, क्योंकि हाँ। ये बोर्ड मैंने भी यूज कर रखा है। ये लैमिनेटेड है, हां ये लैमिनेटेड है, ये फायर प्रूफ भी होता है। फायर प्रूफ भी होता है,
वाटरप्रूफ भी है, वाटरप्रूफ लेकिन फिर भी हम वाटर में इसको बचा के रखते हैं। तो आपको ये पूरा उस टाइम कितने का ये गुड़गांव में एक मानेसर करके जगह है, वहाँ हाँ, पर हाँ, मैं गया था बनवाने के लिए, वो बिल्कुल मॉड्यूलर बना के देते ओके। हैं, तो वो लेते हैं 35,000 रुपए। तो उन्होंने मेरा पूरे नक्शे इसका नाप वाप लिया था, लेकिन मेरे को लगा कि क्या हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, तो वो नाप लेके मैं लोकल खाती के पास गया, तो उसने मुझे ये 10,500 रुपए बना के दे दिया। 10,500 रुपए 35,000 रुपए की चीज बना के, तो क्या क्वालिटी बिल्कुल सेम है? अगर क्वालिटी ये कि वो MDF वाला वुड यूज करते हैं और थोड़ा सा उनका फैंसी हो जाता है, थोड़ी फिनिशिंग है, फिनिशिंग जैसे अब ये जो कर्व है ना, ये कर्व उसमें नहीं आता, ये बिल्कुल कर्व करके देते हैं, क्योंकि वो फिनिशिंग करते हैं अपनी मशीनों से ओके। और नॉर्मल कार्पेंटर आपको पता है हाँ, वो मशीनों से करते हैं अच्छे से दबा के, तो ये पूरा कर्व हो जाता है, तो हमें इतना उसका वो मलाल नहीं है। 35,000 की चीज को कॉस्ट में आपके काफी ज्यादा सस्ता पड़ गया, बिल्कुल बजट फ्रेंडली। काफी लोगों को बताया यहाँ पे तो शॉक हो गए, मैं वही तो, उसने मुझसे मांगे 8,500 थे, 8,500 विद मटेरियल, लेकिन ये चैनल्स उसने कुछ हल्के क्वालिटी के लगाए थे, अच्छा, तो मैंने ये चैनल उसको लाके दी, तो इसकी कॉस्ट मेरी बच गई। अच्छा, वो आपने इंक्लूड कर दी, वैसे आपको और सस्ता का काम होगा 8,500 रुपए, सिर्फ 8,500 रुपए, सिर्फ 8,500 रुपए में बेड प्लस किचन। किचन तो आप एक बार अपना किचन का सेटअप दिखाओ जरा। किचन का सेटअप कुछ इस तरह से है कि ये एक बॉक्स से पूरा डिक्की तक आ जाता है ओके। जिसमें आपका एक ड्रॉर है जिसमें हमारा डबल बर्नर का गैस लगा हुआ है, ठीक है, और एक हमारा लगा हुआ है ये मसालों वाला पिटारा, तो ये इजीली इसी के नीचे बंद हो जाता है, और ये वाला भी बंद हो जाता है ओके। और ये वाला जो बॉक्स तो है, मतलब ये है कि आपके जो इसके होब होते होंगे वो आपको हटा के रखने पड़ते होंगे। हाँ, ये होब हटा के रखते हैं, क्योंकि हमने मेरे को मैं चाह नहीं रहता कि ये मेरा स्पेस यूज हो ताकि लोअर रहे, तो सब जैसे इसको हटा के रख देते हैं साइड में, तो हम इसको रखते जैसे यूज़ फिर ज़्यादा स्पेस भी यूज़ है, क्योंकि अगर इसके हिसाब से आप करें तो आप शायद फिर आपका हेड टच होता ऊपर। ये नहीं, हेड 1.5 इंच आपका ऊपर चला जाता है बॉक्स, तो उस 1.5 इंच को बचाने के लिए, उस 1.5 इंच को बचाने। तो जैसे आप कितने लोग अभी अंदर कम्फर्टेबली आ जाते हैं? हम तीन, मतलब मैं, मेरी वाइफ और छोटा बच्चा आराम से आया है, छोटा बच्चा मेरा 11 साल का बच्चा है, तो 4 जन इसमें नहीं आ सकते। हाँ, चीज तो है, इमरजेंसी अगर कभी है तो आप सरवाइव कर सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग पर कंफर्टेबली वाली बात, उसके लिए हम ये टेंट लेके चलते हैं, उसके लिए आप एक ग्राउंड टेंट लेके चलते, ठीक है। तो ये ग्राउंड टेंट के अंदर हम चार, अभी हम स्पीति लद्दाख गए थे, तो हम 3 एडल्ट थे, मेरा कजन था और 2 बच्चे, हम 5 जने इसमें आराम से, 5 जने इस टेंट में आप आ गए थे। तो क्या आपने डिकैथलॉन से लिया? ये डिकैथलॉन का 3% का टेंट है ओके। तो इसमें आप एक पास में जगह होती है सामान रखने की, उसमें हम सो गए थे, तो हम 5 जने विद स्लीपिंग बैग। वही बात, तो ये आपको कितने कॉस्ट किया था? ये 3,500 रुपए का था। ये कुछ ऐसा बेड सेटअप है जिसमें 9mm की प्लाई आ जाती है ओके, और पीछे लॉक लगे हुए हैं जिसके ऊपर, तो 9mm की मजबूत है, अपने बेड में भी 9mm ही होता है। अच्छा, जो अच्छा। अपने बेड बनते हैं ना उसमें 9mm यूज होता है, तो और आप कितना हैवी बना दोगे? नीचे सीट का भी सपोर्ट मिल जाता होगा? सीट का नहीं है, बिल्कुल मैंने सीट को छुआ ही नहीं है, ताकि मेरे सीट पे बिल्कुल भी। अच्छा, नीचे से आपने वैसे उसमें एंगल लगा रखा है? एंगल लगा दिया एल शेप वाला, और उसके ऊपर मैंने टिकवा दिया, ठीक है। ये मेरा चैनल का, तो ये भैया का चैनल है भाई बी4 भोजक। अरे काफी लोग भैया आपको वैसे भी जानते होंगे, इतनी ट्रिप आपने, इतनी कैंपिंग नहीं, अभी स्टार्ट ही हुआ है, कोई नहीं, जर्नी अभी तो काफी ज्यादा लंबी है, पर स्टार्ट हुई है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो भैया के चैनल को जरूर आप जाके लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ साथ मेरे को भी कर लेना। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके अभी लास्ट के जो 4-5 वीडियोस है विद गाड़ी, एक आपने शायद एक किसी गाड़ी का भी रिव्यू लिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो थी इको। देखा आपने कैसे कैसे आपको कैंपिंग में दिक्कत भी आई थी, किसी काफी ज्यादा दिक्कत आई थी, देखो स्ट्रगल है कैंपिंग में, लोग सोचते हैं कि नहीं है, पर स्ट्रगल काफी ज्यादा है, लगने में फैंसी लगता है, लोग सोचते कितना अच्छा है, पर बैक की चीज हम नहीं दिखाते, दिखानी भी चाहिए, दिखानी भी नहीं चाहिए, लोग क्या है ना, क्योंकि सब अपने लाइफ में एक तो परेशान रहते हैं, हमारी वीडियो में परेशान देंगे तो कैसे हमें से वो दिखाओ जो एंजॉय जो एंजॉय वाला हुआ है। बाकी गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये था हमारा रिव्यू इस गाड़ी के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, भैया के चैनल को भी जरूर आप लाइक करना। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।